नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत के बारे में। जी भाई, कुवैत में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब आया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी और आपको जॉब मिलेगा। रिक्वेस्ट आपसे करूंगा। जी हाँ, एक सिक्योरिटी गार्ड के जॉब में बिना कोई इंटरव्यू, बिना सीवी सिलेक्शन में सीधा ये जॉब आपको मिल सकता है। सैलरी की बात करें तो 180 KD है, आप समथिंग 40,000 के करीब बनता होगा, अच्छी तनख्वाह है। पैसे की बात करें तो इतना कोई खर्चा नहीं है जितना आप सोचते हैं, लगभग 50,000 के करीब आपका पैसा लगेगा। जी 45-50,000 रुपये आप एडजस्टमेंट कर लेंगे, हम आपको दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है, ये एजेंट का कहना है। जी हाँ, बिना कोई इंटरव्यू डायरेक्ट सीवी सिलेक्शन आपको हम दिखाते हैं। आगे की बातें वीडियो पूरा देखिए, अच्छे लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, एक यूपी के महाशय थे, उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया। 10 साल का उनका एक्सपीरियंस था विदेश का। जी हाँ, सेफ्टी ऑफिसर में, सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी से रिलेटेड उनका जॉब किया हुआ था। उन्होंने मुझे सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड बातचीत की। जी जैसा कि इस वीडियो में भी आपको बाकी स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, ये देख सकते हैं 5 लोगों के ये वीज़ा है, ये ऑफर लेटर है, ये वीज़ा है। ये कम से कम बहुत सारे लोग थे, इन्होंने यूपी में, ये सबसे ज़्यादा यूपी बिहार में ज़्यादा होता है, क्योंकि आप लोग पता नहीं अब क्या सोचते हैं। तो इन्होंने कोई ऑफिस में पड़ोस में 100-150 पास में ऑफिस थी, किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने अप्लाई किया वहाँ पे, किसी के थ्रू कैसे भी ये पहुँचे। उन्होंने बोला जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिक्योरिटी गार्ड में हम भेज देंगे। 5-10 दिन में इनका ऑफर लेटर आ गया। सिक्योरिटी गार्ड का ऑफर लेटर आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले आप ऑफर लेटर देख लीजिए। ये ऑफर लेटर है जी, अलमदिया। जी हाँ, ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेडिंग कंपनी है। लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं, नाम बंदे का, कंपनी का नाम, सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट है। नीचे देखो, पोस्ट एंड सिक्योरिटी गार्ड, कॉन्ट्रैक्ट टाइम 2 ईयर्स है। सैलरी देख लो भाई, 180 यानी 180 KD है। फूड, अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, मेडिकल, ड्यूटी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा 24 महीने के लिए। सिंपल सा ऑफर लेटर है, कोई ज़्यादा नीचे साइन करके 2 पन्ने का ऑफर लेटर है। 5 लोग एक साथ थे, ठीक है, 500 लोगों ने एक साथ सिक्योरिटी गार्ड में अप्लाई किया और 500 लोगों का ऑफर लेटर आ गया। 500 में सेम सैलरी मिल गई और ऑफर लेटर आके वीज़ा आ गया। सबसे बड़ी बात है भाई, आपको अगर कोई एजेंट ऑफर लेटर दे रहा है, वीज़ा दे रहा है, तो कहाँ जाओगे, जाना है ना फिर बाहर, पैसे तो देने पड़ेंगे ना आपको बंदों से, इनसे नॉर्मल मेडिकल करवा के। अब बोल रहा जी पैसा, अब ऑफर लेटर दे दिया, वीज़ा दे दिया, अब तो पेमेंट देना बनता है 40,000-40,000 रुपये। फिर बंदे ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, मेरे से बातचीत हुई, बोला सर ये हमारे आए हैं। तो मैंने उनका सिस्टम देख कर उनको बातें बताई, मैं बोला भाई ऐसा नहीं होता है, ये डॉक्यूमेंट आपके फेक है। उनको मैंने बताया तो बोला, मैं बोला भाई देखिए दो बातें हैं, एक बातें हैं अशोक LLB ने आपको बता दिया, अब इन पे विश्वास करते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव है कि और ज़्यादा आपको विश्वास करना है कि यार नहीं नहीं कहीं 1% सही निकल जाए तो अपना तो जॉब खराब हो जाएगा। 180 KD सिक्योरिटी गार्ड में जॉब में टोपी पहन के कैप लगा कर खड़ा होना गेट के ऊपर। एजुकेशन की बात करें तो 8वीं फेल भी हैं, हिंदी बोलना नहीं आता, वो इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। तो बोला आप, मैंने ऑफर दिया भाई आप इंडियन एम्बेसी चले जाओ, कुवैत की एम्बेसी दिल्ली में है। तो बंदा पहुँच गया एम्बेसी, एम्बेसी पहुंचने के बाद भी मैंने फीडबैक लेता रहा, मैं बोला हाँ जी सर बताइए क्या हुआ आपका। बाद में उन्होंने लगभग 1-2 दिन के बाद में उन्होंने मैसेज किया, बोला सर ये डॉक्यूमेंट फेक हैं, एडिट किए गए हैं, किस तरह से किए, क्या किए। मैं बोला भाई पूरी डिटेल हमें भी डालिए ताकि लोगों को और शेयर करें। तो उन्होंने बोला मैं बाद में जाऊँगा बताऊँगा आपको कैसे उन्होंने एडिट किए, कहाँ कहाँ उन्होंने गलती की, ऑफिस का भी वीडियो बना के आपको मैं शेयर करूँगा। तो वो वीडियो जैसे ही मेरे पास आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा, लेकिन इन हरामी लोगों से बचना ज़रूरी है, समझ गए बात को। आपको हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, मेरे पास जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, नेगेटिव वीडियो बनाता हूँ भाई, पॉजिटिव एक भी वीडियो नहीं है अपने पास, क्योंकि पॉजिटिव है ही नहीं तो बनाएंगे कहाँ से। ज़बरदस्ती तो किसी चीज़ को सही नहीं कर सकते ना, गलत है, गलत आई है तो गलत ही बताएंगे, सही कहाँ से बता सकते हैं। ये जो बुक है ना, इसमें मैन पावर ऑफिस हैं भैया, समझ गए, और भी बहुत सारी जानकारी है, 320 पन्नों की है, लेकिन मुझे पता है आप नहीं खरीद सकते क्योंकि इसके 700 रुपये रकम लगती है, समझ गए। तो इसका तो पैसा ज़्यादा हो गया, बाकी एजेंट को 40,000 दे दो, मेडिकल के नाम से 5,000-2,500, ये तो नॉर्मल सी बात है, तो लोग दे ही देते हैं। इन्होंने भी करवाए हैं मेडिकल, 500 लोगों ने मेडिकल करवाए हैं, जो नॉर्मल मेडिकल होता है। जी हाँ, अब अपने मुँह से इन्होंने बताया कि सर हमारे 500 के डॉक्यूमेंट फेक है, समझ में आ गई आपको बातें। मेरे पास जितने भी ऑफर लेटर और वीज़ा आते हैं सबसे ज़्यादा कुवैत के आते हैं, गल्फ देशों में, याद रखना, कुवैत के रोज़ मेरे पास वीज़ा आते हैं, 5-7-10 वीज़ा आ जाते हैं, लेकिन मजाल है कोई 500 रुपये दे के चेक करवा लें डॉक्यूमेंट, उनको लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा यहाँ पे है, सेवा केंद्र है, सरकार की तरफ से खोला गया, जाएंगे हमारी हेल्प मिल जाएगी,
लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं वो तो फीस लेता है, फ्री में जाओ तो भैया फिर और कहीं ट्राई करो, घर पे देसी इलाज है, बहुत सारे इलाज है, कर लो आप। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो भाई कुवैत जाने वाले खास तौर से सावधानी बरत लें, वीज़ा भी दे देंगे, टिकट भी दे देंगे, ऑफर लेटर भी दे देंगे, फिर भी नहीं जा पाओगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना बचाव कीजिए, वरना तो भाई पैसे जो दे दिए वो गए, वो वापस नहीं आने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।